हेलो फ्रेंड्स, आज एक्सरसाइज 5.2 के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में ये कहा जाता है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म की वैल्यू दी है 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। और सेवेंथ टर्म के बारे में क्या कहा जाता है कि फिफ्थ टर्म से वो 12 ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें ना ही फर्स्ट टर्म पता है ना ही कॉमन डिफरेंस पता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को और कॉमन डिफरेंस को एज्यूम कर लेते हैं। राइट, लेट इक्वल्स टू हमने ए कहा और कॉमन डिफरेंस को हमने कहा डी। राइट, तो सबसे पहले थर्ड टर्म की वैल्यू दी है ए 3 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 16। राइट, और ए एन का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है 3, तो ए 3 इक्वल्स टू ए की वैल्यू ए है फर्स्ट टर्म, एन की वैल्यू 3 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है डी, और ए 3 की वैल्यू 16 है, 16 इक्वल्स टू ए प्लस 2d। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया दोस्तों। राइट, दूसरा क्या कहता है, रिलेशन है सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म के बीच में, तो सेवेंथ टर्म निकाल लेते हैं और फिफ्थ टर्म निकाल लेते हैं। तो सेवेंथ टर्म, तो ए 7 इक्वल्स, ए 7 का क्या मतलब, एन की वैल्यू 7 है, तो ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और ए प्लस 6d, और ए 7 की वैल्यू ये निकल आई है, और फिफ्थ टर्म दैट मीन्स ए 5 इक्वल्स टू एन की वैल्यू 5 है, ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी दैट मीन्स ए प्लस 4d। राइट, अब क्या कहा था, फिर से देखते हैं कि द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। सेवेंथ टर्म की जो वैल्यू है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए 7 माइनस ए 5 इक्वल्स टू कितना है 12। ए 7 की वैल्यू डाल देते हैं, ए 7 की वैल्यू कितनी है ए प्लस 6d माइनस ए 5 की वैल्यू है ए प्लस 4d इक्वल्स टू 12। राइट, तो ए प्लस 6d माइनस ए प्लस माइनस माइनस 4d इक्वल्स टू 12। अब देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 6d माइनस 4d तो 2d इक्वल्स टू कितना हो गया 12, तो 2 से 6 तो देयरफॉर डी की वैल्यू कितनी निकल आई 6, डी की वैल्यू हमें पता चल गई 6। अब डी की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं तो क्या होगा, ए की वैल्यू निकल आएगी, देयरफॉर नाउ 16 इक्वल्स टू, यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट। राइट, तो 16 इक्वल्स टू ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 6, 16 इक्वल्स टू, या हम ऐसे करते हैं कि 6 टू या 12 प्लस में है तो इधर आके माइनस 12 इक्वल्स टू ए, तो देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी निकल आई 16 माइनस 12 4, तो ए की वैल्यू निकल आई 4 और डी की वैल्यू निकल आई 6। तो हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द ए पी हुज, हमें ए पी बनाना है, सिक्वेंस बनाना है। तो सिक्वेंस बनाने के लिए अब ए की वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू पता चल गई, तो हम सिक्वेंस तो बना ही सकते हैं, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सिक्वेंस, रिक्वायर्ड ए पी इज क्या होगा, फर्स्ट टर्म 4 और नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस प्लस करते जाते हैं, डी की वैल्यू 6 है, 4 और 6 10, फिर 6 प्लस करेंगे तो 16, फिर 22 28। ठीक है, तो ये हमारा एपी बन गया, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, यहां पे देखिए थर्ड टर्म आ गया ना 16, 1 2 3 थर्ड टर्म दिया होता 16। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें ये कहा जाता है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म राइट ऑफ द टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 253। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है 3 8 13 253। तो अभी तक हमने जो फॉर्मूला लगाया था उसमें हमने देखा, अगर थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म जो भी टर्म निकालना होता था तो हम इधर से स्टार्ट करते थे, हम इसको फर्स्ट टर्म कहते थे और यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस निकालते थे। ठीक है, राइट, लेकिन अभी हमें कहा जाता है कि फ्रॉम लास्ट,
लास्ट से 20 टर्म, मतलब यहां से हम कहेंगे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो जब हम यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए फर्स्ट टर्म ये हो जाएंगी, राइट। एक और चीज देखते हैं कि इधर से जब जाते हैं तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दिस माइनस दिस, ए टू माइनस ए वन, राइट। इसी तरह जब यहां से हम, तो क्या होगा कि देखिए अगर यहां से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। तो जब हम इधर प्लस प्लस करते जाएंगे तो यहां पर जाएंगे, लेकिन जब हम रिवर्स में आएंगे तो इसका मतलब डी जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स इधर से जाएंगे तो 5 प्लस करते करते जाएंगे, और जब इधर से लौटना होगा तो हमें डी की वैल्यू माइनस 5 लेनी होगी, राइट। क्योंकि देखिए 3 प्लस 5 करेंगे तो 8, 8 प्लस 5 करेंगे तो 13, अगर 13 है तो माइनस 5 करेंगे तो 8 आएगा, और माइनस 5 करेंगे तो 3 आएगा, राइट। तो यहां पे लेट, तो यहां पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 253, राइट, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 5। तो हमें कौन सा टर्म निकालना है दोस्तों, 20th टर्म, तो ए 20, ए 20 निकालना है हमें, दैट मीन्स एन की वैल्यू हमें दिया हुआ है 20, और ए 20 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जनरल फार्मूला हम लगाते हैं, क्या फार्मूला होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो एन की देखिए, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे अब क्या लिया, 253 प्लस, और एन की वैल्यू कितनी है, 20 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी हमने निकाला, माइनस 5, और ए 20, क्योंकि 20th टर्म निकालना है। तो 253 प्लस ये क्या होगा, 19 इंटू माइनस 5, 253, 19 5 जा 95, तो माइनस 95 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 158, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 20th टर्म जो होगा, जो 20th टर्म है 158 होगा। अगर हम, इसका मतलब ये है कि इधर से हम जब काउंट करेंगे तो फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और 20th टर्म जो होंगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 158। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें ये कहा जाता है कि द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी 24, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 24। दूसरा क्या दिया हुआ है कि द सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ टर्म इज 44, सिक्स टर्म और टेंथ टर्म का सम 44। तो क्या निकालना है कि फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी। तो यहां पे ना ही फर्स्ट टर्म पता है ना ही कॉमन डिफरेंस, तो हम दोनों को एज्यूम कर लेते हैं। लेट इक्वल्स टू ए, और कॉमन डिफरेंस को हमने क्या कहा, डी। तो सबसे पहले फोर्थ टर्म, दैट मींस ए फोर, ए फोर का क्या होगा फॉर्मूला, ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 माइनस 1 इंटू डी, ए फोर इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस 3d, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एट्थ टर्म, क्योंकि फोर्थ टर्म निकाल लिया, एट्थ टर्म निकालेंगे, तो ए 8 इक्वल्स टू ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ए प्लस 7d, राइट। हमें क्या दिया हुआ है, दोनों का सम, फोर्थ टर्म प्लस एट टर्म, तो दैट मींस ए फोर प्लस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए फोर प्लस ए एट इक्वल्स टू 24, राइट। ए फोर की वैल्यू कितनी है, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d प्लस एट टर्म की वैल्यू कितनी है, ए प्लस 7d, ए प्लस 7d, और दोनों का सम कितना दिया हुआ, 24। तो ए और ए कितना होगा, 2a प्लस 3d और 7d 10d इक्वल्स टू 24। अब 2 कॉमन ले सकते हैं दोस्तों, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, a प्लस 5d, और ये इधर से भी हम ऐसे करते हैं, 2 कॉमन ले लिया, 24, 2 से ये कैंसिल हो गया 12, देयरफॉर a प्लस 5d इक्वल्स टू हो गया 12। इसको इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अब क्या कहा जाता है कि सिक्स एंड टेंथ टर्म, मतलब ए सिक्स प्लस ए टेन, दोनों का सम कितना दिया, 44 दिया हुआ। अगेन ए सिक्स
इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस सिक्स माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू ए प्लस फाइव डी, राइट। और ए टेन इक्वल्स टू ए प्लस टेन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू ए प्लस नाइन डी। अब दोनों का सम दिया हुआ है, दैट मीन्स ए सिक्स प्लस ए टेन इक्वल्स टू फोर्टी फोर, राइट। तो ए सिक्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने, ए प्लस फाइव डी, तो ए प्लस फाइव डी प्लस ए टेन की वैल्यू कितनी है, ए प्लस नाइन डी इक्वल्स टू फोर्टी फोर, राइट। ए ए टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस फाइव और नाइन फोर्टीन डी इक्वल्स टू फोर्टी फोर, टू कॉमन ले लेते हैं तो ए प्लस सेवन डी इक्वल्स टू फोर्टी फोर, तो उसे कैंसिल कर देते हैं ये 22, क्योंकि मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो a प्लस सेवन डी इक्वल्स टू कितना हो गया 22। इसको इक्वेशन कहते हैं सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये बन गया था, सेकंड इक्वेशन ये, तो दोनों को लीनियर इक्वेशन की तरह, जैसे लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स थे, x y की जगह पे a और d है, तो दोनों को सॉल्व करते, तो ये सेकंड टर्म है, इसके नीचे फर्स्ट टर्म लिख देता हूँ, तो a प्लस फाइव डी इक्वल्स टू 12 है, राइट। ये फर्स्ट टर्म था, साइन चेंज कर देते हैं, कैंसिल हो गया, 7 माइनस फाइव टू डी इक्वल्स टू 22 माइनस 12 10, तो देयरफॉर d की वैल्यू कितनी निकल आई, 2 5 या 10, राइट। तो d की वैल्यू निकल आई 5, और d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में इसमें या इसमें पुट कर देंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी, तो इसमें पुट करते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट, तो a प्लस 5 इंटू डी, 5 इंटू डी की वैल्यू 5 है और इक्वल्स टू कितना है 12, तो ए प्लस 25 इक्वल्स टू 12, तो देयरफॉर ए कितना हो गया 12 5, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 13, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई -13 और डी की वैल्यू हमें पहले से पता है 5। तो अब हमें निकालना है क्या, तो फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए पी, तो थ्री टर्म्स निकालने हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड थ्री टर्म्स ऑफ एन ए पी इज आर, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -13, और फर्स्ट टर्म जब पता होता है तो हम डी प्लस करके अगला टर्म निकालते हैं, फिर प्लस डी करके नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, तो -13 और डी की वैल्यू 5 है, तो 13 -13 प्लस 5 कितना होगा -8, और इसमें फिर प्लस 5 करेंगे तो क्या होगा -3, तो ये तीन टर्म हमारे निकल आए, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ये कहा जाता है कि सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 5000, उनकी एनुअल सैलरी कितनी थी 5000 रुपीज, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर, और हर साल उन्हें 200 रुपये इंक्रीमेंट मिलते थे, तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रिच रुपीज 7000, कि कौन से ईयर ऐसे होंगे जिसमें कि उनकी इनकम 7000 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले साल तो उनकी इनकम कितनी थी 5000 जब स्टार्ट किया था, उसके बाद अगले साल 200 रुपये उनकी इंक्रीमेंट हो गए, तो अगले साल उनकी इनकम कितनी हो जाएगी 5200, क्योंकि 5000 पहले से और 200 रुपये इंक्रीमेंट, तो 5200, फिर उसके अगले साल 200 रुपये और बढ़ गए तो फिर कितना हो जाएगा 5400, क्योंकि 5200 थे उसमें 200 बढ़ गए, तो इस तरह। अब कहा जाता है कि कोई एक ऐसा साल है जबकि उनकी सैलरी 7000 हो जाती है, ठीक है, लेकिन कितने साल के बाद वो हमें नहीं पता, लेकिन अब हमें पता है कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू 5000 है, कॉमन डिफरेंस वो भी 200 पता है, और कौन से ए एन की वैल्यू पता है 7000, लेकिन एन की वैल्यू नहीं पता कि कितने साल के बाद, राइट। तो यहां कहते हैं ए की वैल्यू हमारे पास है 5000 रुपीज, डी की वैल्यू है 200, राइट, और ए एन की वैल्यू है 7000, राइट। तो जनरल फार्मूला लगाते हैं, ए एन का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की वैल्यू पता है 7000 इक्वल्स टू ए की वैल्यू भी पता है 5000 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू पता है दोस्तों 200, राइट।
5000 इधर लेके आते हैं तो 7000 माइनस 5000 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 200 राइट। तो 7000 माइनस 5000 2000 मल्टीप्लाई में 200 है तो डिवाइड में आ जाएगा 200 इक्वल्स टू एन माइनस 1 2 0 2 0 कैंसिल हो गया तो 20 और 2 10 जा तो ये क्या हो गया 10 माइनस इधर 1 है तो इधर आके प्लस 1 इक्वल्स टू एन तो देयरफॉर एन की वैल्यू कितनी निकल आई 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। इसमें ये कहा जाता है कि रामकली सेव्ड रुपीज 500 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। पहले वीक में 5 रुपये सेव करती है एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई रुपीज 1 रुपीज 75 पैसे ठीक है। इफ इन द एंथ वीक हर सेविंग्स बिकम 20 रुपीज 75 पैसे फाइंड एन। क्या मतलब है इसका, देखिए पहले वीक में उसने कितना सेव किए 5 रुपीज, पहले वीक में 5 रुपीज सेव किए ठीक है। अब उसके बाद अगले वीक में उसने कितने सेव किए 1 रुपीज 75 ठीक है। तो 5 रुपीज पहले और 1 75 बाद में थी, कितना हो गया 6 75। फिर नेक्स्ट वीक में 1 रुपीज 75 पैसे और सेव किए तो कितना हो जाएगा 7 रुपीज 50 पैसे ठीक है। तो इस तरह कोई एक ऐसा वीक है जिसमें कि उसकी सेविंग कितनी हो जाती है 20 रुपीज 75 पैसे राइट। तो अब किस वीक में जाके वो इतने पैसे हो जाते हैं तो वही हमें निकालना है कि एन वीक में जाकर के इतने पैसे हो जाते हैं तो हमें एन निकालना है कि कितने वीक है ना नंबर निकालने। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमें दी हुई है 5, डी हमें पता चल गया 1.75 राइट, और ए एन की वैल्यू पता है 20 रुपीज 75 पैसे राइट। तो जो जनरल फार्मूला है हमारे पास वही लगाते हैं ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू है हमारे पास 20.75 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1.75 जो इंक्रीमेंट है हमारा ठीक है। 5 को इधर ले आते हैं 20.75 माइनस 5 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 1.75 राइट। तो माइनस करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 15.75 और 1.75 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा डिवाइड में 1.75 राइट इक्वल्स टू एन माइनस 1। देखिए यहाँ पे भी डेसिमल के बाद दो प्लेस से कैंसिल हो गया। अब हम इसको कैंसिल करते हैं राइट। ट्वेंटी फाइव से कैंसिल करते हैं 25 7 जा 25 6 जा 63 7 9 जा ठीक है। तो 9 हमारे पास क्या हो गया 9 इक्वल्स टू एन माइनस 1 तो देयरफॉर माइनस 1 इधर आके प्लस 1 तो 9 प्लस 1 इक्वल्स टू एन तो देयरफॉर एन की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 10। तो एन की वैल्यू